धनबाद के न्यू मटकुरिया रेलवे कॉलोनी की रहने वाली एक महिला की दोनों बेटियों को उठा लेने की धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, बेटियों के साथ दुष्कर्म तक करने की धमकी दी जा रही है। इससे पहले धमकी देने वाले युवक पिछले 28 जुलाई को इनकी एक पुत्री को उठाकर भी ले गए थे। थक हार कर अब महिला ने SSP से इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपनी आपबीती सुनाई। महिला ने बताया कि 28 जुलाई की रात 12 बजे मटकुरिया रेलवे कॉलोनी के रहने वाले पंकज कुमार, आकाश दास, आशीष सिंह और आतिफ खान ने उनके घर पर हमला बोला और उनकी बड़ी बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। करीब 4 घंटे बाद उनकी बेटी को छोड़ा गया। जब उनकी बेटी घर वापस आई तो उसके कपड़े भी फटे हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी दूसरी बेटी का भी मुंह बंद कर उसके ही घर के कमरे में उसके साथ भी बदसलूकी की कोशिश की गई थी। घटना के बाद इन सभी के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीना बीतने वाला है लेकिन आरोपितों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जबकि सभी आरोपी केस उठाने को लेकर लगातार महिला पर दबाव बना रहे हैं। घटना एक्चुअली देखिए, 12 बजे रात को 28 तारीख के रात को 4 लड़का ताला तोड़ के, मतलब ताला खोल के घर के अंदर गए। उसमें से मेरे एक जान पहचान है, आकाश नाम है उसका, मम्मी से मेरा जान पहचान है। वो शुरू से चाबी चुराया गया है टेबल के ऊपर से ताला का। अंदर घुस के मेरी छोटी बेटी को चाकू के नोक पर घसीट के ले गया गया है और बड़ी बेटी को घर में ही मुंह दबा के रखा गया है। उसके बाद में जब बड़ी बेटी चिल्लाई तो नींद टूटा मेरा, तो हम जब नींद में देख रहे हैं कि मेरी बेटी क्यों चिल्ला रही है तो दौड़ते हैं, तो सारा लड़का लोग धड़ाधड़ निकल गया घर से और एक लड़का उसमें से पकड़ाया था कि मेरे पास वीडियो ऑलरेडी है। इस मामले में जब जिले के SSP संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि थानेदार को जांच के बाद उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कोई खौफ पारी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सभी बिंदु हम लोग जांच कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो हमारे संज्ञान में है। हमने थाना को दिया है, थाना प्रभारी इस संबंध में उचित जांच कर रहे हैं और सारे पहलुओं पर जांच होगा और जो उसमें कानून के खिलाफ जो व्यक्ति भी कार्य करेगा उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई। इसी तरह जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन तो हमेशा मिलता रहता है, लेकिन इस मामले में आखिर इंसाफ कब मिलेगा? क्या हमेशा की तरह पुलिस भी किसी बड़ी घटना के बाद सक्रिय होगी? न्यूज़ 22 स्कोप के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।